चलो एक्ट टू सीन टू पढ़ देते, छोटा सा ही बिल्कुल ही, एक ही पैरे का। द सीन शिफ्ट्स बैक टू द पैलेस। अब एक्ट टू के अंदर जो सीन टू आता है वापस कहाँ का आ गया, महल का आ गया। महल में कौन होगा, ड्यूक फ्रेडरिक हैड कम टू नो अबाउट द फ्लाइट ऑफ द टू गर्ल्स एंड इज एनरेज्ड। ड्यूक फ्रेडरिक को जब पता लगता है कि दो लड़कियां भाग गई हैं घर से तो वो एनरेज्ड हो जाता है। एनरेज्ड होने का मतलब गुस्सा आता है। फिर ही इज श्योर दैट सम विलेंस ऑफ हिज कोर्ट हैव बीन ए पार्टी टू द होल ड्रामा। अब उसको इस बात का पक्का विश्वास है कि कोर्ट में ही कोई ना कोई विलेन है, कोर्ट में ही कोई ना कोई मेरा दुष्ट मेरा विश्वासघाती है जिसने जो इस पूरे ड्रामे में एक पार्टी है। ऑन कमिंग टू नो दैट द टू वर हाईली प्रेजिंग द क्वालिटीज ऑफ ऑरलैंडो द ओवर थ्रोवर ऑफ चार्ल्स द ड्यूक डिस्पैचेज ए मैसेज टू ओलिवर टू गेट ऑरलैंडो टू हिम और एल्स स्टैंड हिमसेल्फ इन हिज सर्विस। तो जब उसको यह पता लगता है कि दोनों लड़कियां ऑरलैंडो की बहुत तारीफ कर रही थी, उसके किसी दरबारी ने बता दिया होगा उनकी बातें सुन करके कि दोनों लड़कियां ऑरलैंडो की तारीफ कर रही थी जिसने चार्ल्स को हरा दिया था, तो ड्यूक ओलिवर को यह मैसेज भेजता है कि ऑरलैंडो को जल्दी से ढूंढो नहीं तो फिर तुम्हें मेरी सेवा में आना पड़ेगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। ओलिवर कौन है, ऑरलैंडो का भाई है ना, तो वो उसको सोचता है ओलिवर को तो पता ही होगा ऑरलैंडो कहाँ गया, तो उसने ओलिवर को फिर ये हुक्म सुनाता है। वो तो कमेंट में है कि दिस इज ए ब्रीफ सीन बट एन इंपॉर्टेंट वन। द ड्यूक्स डिस्कवरी अबाउट द डिसअपीयरेंस ऑफ सीलिया एंड रोजालिंड एंड देयर प्रेजिंग ऑरलैंडो ड्रॉज ऑरलैंडो डीपर इनटू द प्लॉट इन्वॉल्विंग रोजालिंड ड्यूक सीनियर ड्यूक फ्रेडरिक एंड सीलिया। तो जब ड्यूक फ्रेडरिक को यह पता लगता है कि दोनों लड़कियां ऑरलैंडो की तारीफ कर रही थी तो ऑरलैंडो का रोल जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है प्ले के अंदर, क्योंकि वो हीरो बनने वाला है, क्योंकि हीरोइन कौन है, रोजालिंड है। लेकिन यहाँ पे जो प्ले की हीरो भी रोजालिंड ही है, सारा प्ले उसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, क्योंकि वो दो दो कैरेक्टर प्ले करेगी, एक गैनीमेड भी हाँ और वो अब कोचिंग भी देने वाली है ऑरलैंडो को, है ना, क्योंकि ऑरलैंडो गैनीमेड समझ के आएगा उसके पास, तो गैनीमेड की मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे लड़की को मनाया जाता है, तो फिर वो उसके सामने एक्टिंग भी करेगा। तीसरा, ऑरलैंडो स्टिल शोज अप एज द ब्लेमलेस एंड द नाइव हीरो ऑफ फेयरी टेल्स। ऑरलैंडो अभी भी हमें ब्लेमलेस लगता है, ब्लेमलेस का मतलब निर्दोष लगता है, और एक नाइव हीरो लगता है। नाइव का मतलब बिल्कुल सीधा साधा भोला वाला। ही इज गिल्टी ऑफ नथिंग बट यूथ करेज एंड हैंडसमनेस। उसका कोई दोष नहीं है सिवाय ये कि वो यंग है, बहादुर है और हैंडसम है। दिस इज फर्दर रिएटेटेड बाई एडम इन द नेक्स्ट सीन। और ये चीज़ एडम अगले सीन में हमें दोहराएगा भी उस चीज़ को। ओके, कल हम पढ़ेंगे एक्ट टू